एनएपी7 न्यूज वैशाली। वैशाली के भगवानपुर थाना हाजत से सोना लूट कांड के दो आरोपी के फरार होने का मामला तूल पकड़ने लगा है। दो आरोपी को फरार होने की घटना में भगवानपुर थाना के दो चौकीदार को गिरफ्तार कर लिए जाने के बाद जिला के सभी चौकीदार गुस्से में हैं। भगवानपुर थाना का घेराव कर चौकीदार प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल कल भगवानपुर थाना हाजत से दो कैदी फरार हो गया था। फरार कैदी के बारे में बताया जा रहा है कि दोनों 22 करोड़ के सोना लूट कांड मामले में आरोपी थे, जिसे सुपौल जिला से गिरफ्तार कर लाया गया था। अपना अपना नौकरी बचाने के लिए हाजत से बाहर रखने के चलते हाजत में जो है से बंद नहीं किया गया। 3 दिन से मुद्दा ले यहाँ पर था और हाजत से बाहर था, तो डीसपी साहब बताया कि कल ही पकड़ा गया। नहीं, यहाँ से 3 दिन से था मुद्दा ले। तो आप लोगों को पता था कि किस मामले में वह पकड़ा गया? पहले पता नहीं था, बाद में जानकारी हुआ। क्या क्या जानकारी हुआ? लोग बता रहे हैं कि सोना कांड के था, कुछ लोग बता रहे हैं कि राइफल कांड के था, लेकिन उसको डिपूट जबकि ओडी अफसर है और थाना में पदाधिकारी है, टोटल गांज जो चमगार पर की था, इसमें सब लोग को अपना फंसना चाहिए। नाम बता दो। चमगार जो है राजेश महतो है, अमीर पासवान, जबकि राजेश पासवान जो है राजेश कुमार महतो वार्लिस पर ड्यूटी रहता है, जबकि ड्यूटी थाना में चौकीदार को नहीं पड़ना चाहिए। एक ठो चौकीदार पर दूगो मुदाले का इसी रिपोर्ट का गया, मौखिक रिपोर्ट किया गया। सिरिस्ता में चौकीदारे से काम लिया जाता है? सिरिस्ता में चौकीदारे से काम लिया जाता है। टोटल सिरिस्ता के काम हो, कैदी के काम हो, बहुत टोटल काम जो है। सचिव का आदेश भी आया, आदेश है कि चौकीदार को थाना में नहीं रखना है, फिर भी चौकीदार से टोटल आदेश जो है से काम जो है लिया जाता है। अपन नाम बता दो। दिलीप पासवान चौकीदार संघ का अध्यक्ष है।